गाइस, तो ये चुल्लू भर पानी जो है ना, मैं ये ले आया हूँ क्योंकि आज इसी में डूब मरने का मकाम है। हमारा और हमारी कौम का जो है ना, सर शर्म से झुक चुका है सिर्फ इन लोगों की वजह से। ये और ये हमारी क्रिकेट टीम है। अरे भाई, हद होती है हारने की भी। मतलब यार, ये गोरे हमारे ही मुल्क में आके हम ही को मैच मार के चले गए, पूरी सीरीज मार के चले गए। मतलब हम कब खेलना सीखेंगे, हम कब करेंगे? हम तो सिर्फ दो बंदों पर रिलाय करके पूरी पाकिस्तानी टीम ले जाते हैं, बाकी जो सब चने बेचने आते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, हमारा तो मसला ही यही है। ये टीम लोग हम लोगों को हार्ट अटैक देके ही मारेगी। ऐसा लगता है अब तो मैं कार्डियो में एडमिट ही हो जाऊंगा। अरे यार, इन लोगों को जब खेलना नहीं आता तो मत खेलो यार, ये वो खुश दिल। अरे अब तो पूरा क्राउड, पूरा लाहौर चिल्ला रहा है पर्ची पर्ची पर्ची, लेकिन यार किसी को और को तो सिलेक्टर को तो नजर ही नहीं आ रहा कि भाई यार टेस्ट मैच खेलने आते हैं ये लोग। क्या T20 को खेलना है टेस्ट मैच की तरह, और वो आसिफ, वाह भाई, उसको क्या बोलूँ मैं। 150 छक्के मारते हैं अपने प्रैक्टिस मैच में, 1 रन 5 बॉलों पे। अरे अब हर बॉल पे छक्का चाहिए था, हर बॉल पे छक्का चाहिए था। 1 रन 5 बॉलों पे एक छक्का मारा, हाथों में कैच दे दिया। ये कोई गेम है? ये कोई तरीका है खेलने का? ये होता है इन घोड़ों के खेलने का तरीका। इनसे देखो, ये है चैंपियन टीम, किसी के होम ग्राउंड पे जाके ना मार देती है। और हमारे साथ हम तो हर जगह हार जाते हैं भाई। 1 साल हो गया पूरा, अक्टूबर से ये अक्टूबर आ गया। पहले वो अक्टूबर याद है ना, सेमीफाइनल वेड कितना मारा था हमारे, पूरे 11 ढेर। ठीक है, उसके बाद आता है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, 2 ड्रॉ हुए, लाहौर में फाइनल हार गए। ठीक है, फाइनल में हम हमेशा चौक होते हैं। उसके बाद देख लो एशिया कप में क्या हाल हुआ, फाइनल श्रीलंका जैसी टीम से हार गए हम लोग। अरे इतना अच्छा स्टार्ट देने के बाद हार गए फाइनल में चौक। अब भाई मुल्क अपना ही मुल्क था भाई, अपनी होम सीरीज थी, खेल खेल के थक चुके हैं। नेशनल T20 कप और डोमेस्टिक में इतने छक्के मारते हैं, इतना खेलते हैं, क्या कर लिया? अरे वो सब खेलते हैं 40 मीटर की बाउंड्री समझ के, और हम ऐसा लगता है जैसे 100 मीटर की बाउंड्री हो गई हमारी जो है ना। हम तो खेलना ही भूल जाते हैं, बिल्कुल ही खेलना भूल जाते हैं। और ऐसा लगता है बॉलिंग पिच हो गई, जब वो लोग खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है बैटिंग पिच है। अरे इस तरह तो खेलेंगे तो फिर तो हम लोग तो कुछ जीत नहीं सकते। हमारा तो मसला यही है कि हम लोग फाइनल में चौक होते हैं। ठीक है, कौन कहता है, कौन कहता है हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल है? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अगर कौन कोई कहता है ना, तो आ जाए मेरे सामने भाई, मैं नहीं मानता। प्रिडिक्टेबल है बिल्कुल, हमें पता होता है हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चलना, हमें पता होता है खुशदिल आसिफ ने कुछ नहीं करना, नीचे आके कुछ नहीं करना, सिर्फ बाबर रिजवान खेलते हैं बता। अबे यार, वो तो रोटी वाले को ही पता है, रोटी लेने गया बाबर रिजवान आउट होने का, मैं लग तो भाई हो गया काम, अब तो लग गए। रोटी वाले का, रोटी वाले ने बोला अबे भाई कौन, इनको बाबर रिजवान आउट हो गया भाई, टीवी बंद करो खत्म। एक रोटी वाले मतलब एक एक मतलब मुल्क के जो है ना चर्सी को भी पता होगा कि बाबर रिजवान के अलावा ना हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चलने वाला है। 200 क्या है तो 150 नहीं बना सकते हम लोग, हम लोग खेल ही नहीं सकते। एक और बात, कहावत है कैचेस विन मैचेस, हमारे वाले ये उसके उलट करते हैं। सही है, हवा में बॉल जा रही होती है, वो डरना शुरू हो जाते हैं एकदम से ना, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। अरे 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 कैसे पकड़ेंगे? अरे भाई पकड़ो, 4 कैच छोड़ोगे तो यही हाल होना, 209 210 पड़ेंगे। हमेशा हमारे साथ यही हुआ। वो जो हसन अली ने कैच छोड़ दिया था, वो तो अल्लाह माफ करे, वो तो बड़ा ब्लंडर हुआ था। आज बाबर आजम, चलो बाबर आजम को कुछ नहीं बोलते यार, बाबर आजम को मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यार वसीम साहब और इन सारे लोगों को मैं क्या करूं, ये लोग सुधरते ही नहीं है, सुधरना बल्कि सुधरते नहीं है, सुधरना चाहते ही नहीं है भाई, नहीं चाहते ये लोग सुधरना। वो हिना परवेज वट साहिबा भी पहुंची हुई थी कि शायद कोई टोट का काम आ जाए, लेकिन आज भाई कोई टोट का काम नहीं आने वाला, कोई नहीं जीतना था आज, ऐसे ही खेलना था ना तो कभी नहीं जीतेंगे हम लोग। और वो जो हम 3 मैच भी गलती से जीत गए, मतलब गलती से जीत गए, वरना तो भाई ये 4-3 से नहीं, ये 6-1 से जीतते। इस वजह से क्योंकि हमने तो कुछ खेला ही नहीं है, वो तो बस गलती से थोड़ा बहुत इधर उधर करके जीत गए बस, बाकी तो बस अल्लाह ही मालिक है इस टीम का। और हम लोगों को जो है दुख ही मिलता है हमेशा, और उसके अलावा सुने कुछ नहीं बात तो मिलती। सुने, क्या इंग्लैंड भी खेलने आया था हाँ, तो क्या शायद हम पिटने आए यहाँ पर?